जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, सूरज सुन्ना जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, सूरज सुन्ना जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, सूरज सुन्ना जीतेगा। द्वारा उम्मीदवार दिया गया, क्या लगता है कुछ समय बाकी है? इस बार तमाड़ विधानसभा एक विधानसभा के अंदर एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में, आदिवासी नेता के रूप में और झारखंड को आगे बढ़ाने के रूप में सुरेश मुंडा एक उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार के रूप में जिस तरह उनको पूरा जन समर्थन मिल रहा है, जितने भी एक तो जेएमएम का जो पिछले 5 साल या 10 साल यहाँ रहकर उन्होंने कोई भी काम यहाँ नहीं किया लूटने के अलावा, और अभी वो दूसरे जो जदयू से आए हैं, जेल थे, हत्याकांड में इन्वॉल्व है वो, अभी वो आए हैं दोबारा विधानसभा में अपने वहाँ घुसने के लिए, तो ये जनता के पक्ष में नहीं है, कतई जनता के पक्ष में नहीं है। और इसीलिए सुरेश मुंडा के पक्ष में जो एक जन आधार है, निश्चित रूप पर वो सीपीएम के प्रतिनिधित्व इस बार विधानसभा में बनेगा, ये हमारे। आज झारखंड के मुख्यमंत्री इसी विधानसभा क्षेत्र का था कि आप एक साथ मंच साझा करते थे, क्या लगता है यूपीए जो इंडिया गठबंधन कहते हैं कमजोर होता हुआ नहीं दिखाई दे? झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार की जो अच्छी नीतियां थी वो जब हमने समर्थन किया, तो उस समय निश्चित रूप पर हमने सोचा कि बीजेपी को हराने के लिए एक वैकल्पिक सरकार, एक वैकल्पिक नीति के आधार पर समर्थन दिया। लेकिन जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी का जो हमला है, बीजेपी जो झारखंड को अपने एक संकीर्ण विभाजित वाली नीति को झूठ और जहर के रूप में झारखंड का प्रचार कर रहे हैं बीजेपी वाले, वहाँ हेमंत सोरेन की जो जिम्मेदारी थी कि सभी को साथ लेकर चले, उसमें वो नहीं कर पाए। उनकी अपनी पार्टी में भी जितना विभाजन है वो इससे साबित करता है कि वो नहीं कर पाए। तो वैकल्पिक नीति के आधार पर हम समझते हैं ये अनिवार्य है कि बीजेपी को हराने के लिए जो एक मजबूत वैकल्पिक नीति की ज़रूरत है, वहाँ सीपीएम के अलावा वहाँ कोई है नहीं। आप सीधे से कार्य को नकारते हैं, कहते हैं कुछ भी काम नहीं हुआ, इन 5 सालों में आप साथ साथ रहे, अब चुनाव में है, आप कह रहे हैं कुछ भी काम नहीं हुआ। जितने हमने देखा, देखिए जितने यहाँ जेएमएम के एमएलए है ना, इनके प्रति जनता का इतना नाराजगी और गुस्सा है, ये हम कुछ भी कहें लेकिन जनता की जो आवाज आ रही है, ये जेएमएम का जो एमएलए है वो जेएमएम के एमएलए जनता के बीच रहकर जनता की समस्या को उठाकर इसीलिए भेजा था, लेकिन अभी वो उस रूप में विकल्प की नीति के रूप में बीजेपी का विरोध वो कैसे करेगा? जब जनता के साथ नहीं देगा तो बीजेपी का विरोध कैसे करेगा? इसलिए आज इस तमाड़ क्षेत्र में जहाँ विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ बढ़ गए हैं, किसानों की, आदिवासियों की, आदिवासियों की अस्तित्व की, दलितों की, वहाँ निश्चित रूप पर हमें वैकल्पिक नीति चाहिए, और इसीलिए सीपीएम ने यहाँ प्रार्थी दिया। और हम ये मानते हैं स्पष्ट रूप पर बीजेपी को हराने के लिए हमें दल बदलू नहीं चाहिए, हमें वो लोग नहीं चाहिए जो आज इस पार्टी की थी कल उस पार्टी के बने। ये सुरेश मुंडा जी है जो लगातार इस लाल झंडे के आधार पर एक वैकल्पिक नीति, संघर्ष की नीति को लेकर खड़े। 4 दिन उतरे हैं 20 साल के बाद, क्या लगता है क्या बदलाव आएगी? देखिए यहाँ पर जो चुकी है तमाड़ विधानसभा है, ये धरती शहीदों की धरती है, और यहाँ पर जो है ये सीपीएम पार्टी 20 साल के बाद इस बार चुनाव मैदान में है, और ये चुनाव किसान, मजदूर, गरीब,
हाँ, पिछड़ा वर्ग आदिवासी दलितों के को अधिकार के लेकर के जो है जल जंगल जमीन यहाँ के तमाम शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के सवाल को लेकर के ये चुनाव मैदान में सीपीएम पार्टी है। क्या मैया योजना का भी बात किया जा रहा जेएमएम की तरफ से और गोगो तेजी भी बात किया जा रहा भाजपा की तरफ से, किस तरह देख रहे हैं आप इस पर? देखिए, जहाँ तक मैया समान योजना की बात है, ये मैया समान योजना जो है, क्योंकि जब हेमंत सोरेन सरकार जैसे बना 2019-20 में, तब से यह योजना लागू करना चाहिए था। जब पूरा झारखंड का परिस्थिति उसके पक्ष से हाथ से बाहर निकल गया है, तब ये जो है मैया समान योजना को लागू किया। ये कहने का मतलब ये है, ये भोले भाले जनता को जो है लुभावन वादा करके जो है पीछे सत्ता में आने का प्रयास चलता है। इसका वैकल्पिक व्यवस्था जो है लाने के लिए जो है ये सीपीएम पार्टी चुनाव मैदान में है। जहाँ तक ये सवाल है कि ये गोगो दीदी योजना और मैया समान योजना, पिछले बार कई बार जो है इन्होंने वादा किया था कि झारखंड में जो स्थानीय नीति लाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे और तमाम नौजवानों को रोजगार मिलेगा, लेकिन यहाँ पर स्थानीय नीति भी लागू नहीं हो पाया है, ना ही ये 60-40 का नीति जो पिछले रघुवर ने लाया था उसी को जो है ये सरकार ने जो है 60-40 नीति को लाया है। ये सीपीएम विरोध करता है। ये झारखंड के लोगों को, झारखंड की जनता को जो है, ये हम हरियाणा से हैं, यहाँ पे मामा जी रहते हैं हमारे, ये जो है ये झारखंड में जो है ये चुनावी भाषण जो है ये नरेंद्र मोदी ने दिया था और ये इस बार भी जो है ये हेमंत सोरेन जो है ये वादा कर रहे हैं। वादा तो यहाँ पर 2 करोड़ नौजवानों का नौकरी देने का था, वादा तो सभी गरीबों को 15 लाख योजना खाता में पैसा देने का था, वादा तो है झारखंड को जो है जल जंगल जमीन का पंचायत चुनाव का अधिकार देने का था। वादा तो बहुत किया, लेकिन ये वादा ये पूरा नहीं किया। इससे जनता समझ गई है कि इस बार जो है बदलाव चाह रही है और ये बदलाव में जो है सीपीएम पार्टी जो है वैकल्पिक रूप में ये तमाग विधानसभा है। ये तमाग विधानसभा में सीपीएम पार्टी जो है किसान मजदूर गरीब का जो है तमाम मेहनत का जनता के हाथ और अधिकार की लड़ाई ये विधानसभा चुनाव में जो है ये मुखर होकर के जो है इस चुनाव मैदान में उतरा है और आने वाला समय में ये सीपीएम पार्टी जो है किसान मजदूर तमाम मुद्दा को लेकर के ये चुनाव मैदान में है और इस सवाल को लेकर के मुखर होकर लगाई सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। इसलिए हम तमाम जनता से अपील कर रहे हैं कि इस बार जो है सीपीएम पार्टी को मौका दीजिए और सीपीएम पार्टी को जो है चुनाव जिता कर जो है विधानसभा के अंदर भेजे, ताकि यहाँ की जनता को जो है वैकल्पिक व्यवस्था में जो है ये आम जनता को राहत मिल सके। यहाँ दिखाई